राजस्थान विधानसभा में भजन लाल सरकार ने अपना पहला अंतरिम बजट पेश किया। वहीं भजन लाल सरकार के पहले बजट को वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन के पटल पर रखा। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि प्रदेश में 70,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं अन्नपूर्णा रसोई में 450 ग्राम की जगह अब 600 ग्राम भोजन मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 5,00,000 घरों में सोलर पैनल लगेंगे। इससे 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। वहीं जयपुर, जोधपुर, कोटा जैसे जिलों को 500 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। कम आय वर्ग खेतीहर मजदूरों के बच्चों को केजी से पीजी तक का फ्री एजुकेशन मिलेगा और पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को हर साल 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये किया जाएगा। इसके लिए 1,400 करोड़ रुपए वार्षिक का प्रस्ताव प्रस्तावित है। वहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के सभी छात्रों और कक्षा 9वीं से 12वीं तक की सभी छात्राओं को स्कूल ड्रेस के लिए 1,000 रुपये मिलेंगे। रोडवेज किराए में बुजुर्गों को दी जा रही 30% छूट को 50% किए जाने का प्रावधान है। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 1,150 रुपये किया जाएगा। समय पर भर्तियां हो इसके लिए वार्षिक कैलेंडर भी जारी होगा।